अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की बूट सॉक्स बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये साइज नंबर 7 और 8 वालों के लिए है। बड़ा छोटा आप बना सकते हो। इसको बनाने का तरीका जो है वो ये एरिया है जो शुरू में बुना जाता है, इसी के आधार पर ऊपर के रो जो हैं पढ़ते हैं। तो इसी को कितना आपको लेना है अपने साइज के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता देती हूँ। ये साइज नंबर 7 और 8 वालों के लिए है। 6 और 5 के लिए जो है 20 फंदे डाले जाएंगे और 36 रो बुन लीजिएगा, और 9 और 10 के लिए 24 जो है फंदे ले लीजिएगा और 44 रो बुन लीजिएगा। बहुत ही इजी है। इस तरह से आप 7 से 10 नंबर तक का जो ये सॉक्स है बुन सकते हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए लेंगे 2 कलर की बूल और 10 नंबर नीडल। ये देखें जी, बूल को इस तरह से मोड़ कर एक फंदा बना लेंगे और इसे नीडल में उतार लेना है। ये जो साइड है इसे टाइट किसी चीज में लपेट लीजिएगा। तो इस तरह से हम फंदे बनाते जाएंगे 22। आइए अब इसकी बुनाई करते हैं। फर्स्ट फंदे को हमें इस तरह से बुन लेना है। ये इसी रो में करना है। सीधा सीधा हम इसको बुनते जाएंगे। ये देखें जी, फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट का स्टिच देखें हमें किस तरह से बुनना है। इसे हम उल्टा करके बुनेंगे और जब भी हमें रो को शुरू करना है तो इस फंदे को बिना बुने निकाल लेना है। तो ऐसे ही बुनाई को हम जारी रखेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। यहाँ पर देखें जी, जितनी इसकी चौड़ाई है 3 इंच, उतनी ही हमें लंबाई भी बना लेनी है 3 इंच। अभी इसमें रो जो हैं वो 40 मैंने डाले हैं और ये जो लाइनें हैं वो 20 बन गई हैं। यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अभी हम यहां से फंदे बढ़ाएंगे। ये देखें जी, यहां पर हमारे पास 22 फंदे हैं और 22 फंदे हम और बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। टाइट आपको धागा रखना है इसी तरह। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे। सीधा सीधा बुन लेना है इसे भी और धागे को हमें ज्यादा खींचना नहीं है और ना ही ढीला छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे हम सीधे सीधे इसकी बुनाई कर लेंगे। ये 22 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। ये देखें, ये लास्ट के स्टिच हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 22 फंदे हमने बुन लिए हैं। अभी हम यहां से कलर चेंज कर देंगे। यहां पर देखें जी, इसे हमें इस तरफ को मोड़ना है जो एक्स्ट्रा धागा है, और ये वाले धागे को भी हमें ऊपर से क्रॉस कर देना है ऐसे। एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह से साथ ही साथ मोड़ते जाएंगे ऐसे।
दो चार स्टिच ही हमें इस तरह से करना है। और जो लास्ट का स्टिच है उसे हम उल्टा करके ही बुनेंगे ऐसे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने हमें निकालना है और अगले फंदे से हम बुनाई को शुरू करेंगे। सीधा सीधा बुनते जाते हैं। अभी यहाँ पर हमें धागे को बदलना है, वो देखिए हमें किस तरह से बदलना है। ये 22 फंदों की बुनाई हमने स्किन कलर के साथ कर ली है और अभी हम जो है धागे को इस तरफ लेकर आएंगे और यहाँ से ये जो धागा है इसे हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, और इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे और यहीं से हमें इसको टाइट भी रखना है, ये देखिए ऐसे। ये वाला फंदा बुनकर भी आप इस तरह से धागे को टाइट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा अगले 22 फंदों को भी हम बुन लेंगे। ये देखें जी, ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है और लास्ट का स्टिच हमें उल्टा करके ही बुनना है ऐसे। अभी हम फिर से सारे फंदे सीधे सीधे ही बुनेंगे। यहाँ पर धागा किस तरह से बदलना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, फर्स्ट फंदे को बिना बुने निकालेंगे और अगले फंदे से बुनाई शुरू कर देंगे, सीधा सीधा बुनते जाएंगे बस। ये देखें जी, पिंक कलर के जो 22 फंदे हैं वो हमने बुन लिए हैं। अभी धागा देखें, ये हमारा इस तरफ है और ये वाला धागा हमारा नीचे देखें ये दूसरी तरफ है, इसे हमें इस तरह से क्रॉस कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको बुनेंगे। जब भी हमें बीच में धागा चेंज करना है तो उसे क्रॉस करना है इसके ऊपर से, ऐसे हम बुन देंगे बस और दोनों धागों को खींच देना है। लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनेंगे। ये देखें जी, अभी मैं एक रो आपको यहां तक फिर से बनाकर दिखा देती हूं। अभी ये देखें, ये धागा इस तरफ है तो हम इसे उल्टी तरफ ले आएंगे और यहां पर ऐसे क्रॉस कर देंगे और फिर से पीछे ले जाएंगे और यहां से बुनेंगे और इसी फंदे को हम टाइट कर देंगे ऐसे। बस सिंपल सा है, ऐसे ही हम इसको बुनेंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम इसकी बुनाई को जारी रखेंगे। 40 रो हमने यहाँ पर बुने हैं और 40 रो ही आगे भी बुनेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखें जी, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 रो हो गए हैं। अभी हम ये वाले धागे को कट कर देंगे और इस धागे के साथ हम आगे की बुनाई करेंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। ये देखें, जितना स्टिचिंग के लिए हमें धागा चाहिए उतना हम कट कर लेते हैं और आगे अब हम गोल्डन कलर के साथ बुनेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइनें जो हैं वो 20 ही हैं जितनी यहाँ पर थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये जो धागा है एक हमारा यहाँ पर है और एक जो हमने अभी कट किया है, तो इस धागे को ही हमें इस तरह से यहाँ से शुरू कर लेना है। वो देखें हमें किस तरह से करना है। आप चाहे तो यहाँ से कट करके यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, आपको इसको इतना ही लंबा रखना है जितने आपके स्टिच के बराबर हो, ठीक है।
तो यहीं से हम ऐसे ही इसको शुरू कर लेंगे और पहले स्टिच को हम इस तरह से बुनेंगे। ठीक है, अभी आगे देखें, एक स्टिच को हमें इस तरह से बुनना है। और एक स्टिच को हम खाली बुनेंगे, इसके ऊपर हम धागा नहीं लपेटेंगे। तो एक स्टिच को हम नीचे के धागे को ऊपर करके इस तरह से बुन लेंगे। और एक को ऐसे ऐसे ही आपको पूरे रो को जो है बुन लेना है। ये जो लास्ट के स्टिच हैं, इसे हम इसी तरह बुन लेंगे। अभी ये देखें, ये उल्टी तरफ से इस तरह से नजर आएगा। लास्ट का स्टिच उल्टा करके बुनना है, ये देखिए। अभी आगे की बुनाई जो है वो हम इसी धागे के साथ करेंगे और इसको इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे, सीधा सीधा आगे तक इसको बुनते जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 80 रो बुने हैं और अभी हम 20 लाइनें गिनेंगे और मार्कर लगाएंगे। इस तरफ से भी 20 लाइनें गिनेंगे और मार्कर लगाएंगे, यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहां पर हम लगाएंगे एक मार्कर। इसी तरह हम यहां पर 20 लाइनें गिनेंगे और मार्कर लगाएंगे, फिर आगे 20 लाइनें गिनेंगे मार्कर लगाएंगे। ये देखें जी, ऐसे ये मार्कर हमने इसीलिए लगाए हैं ताकि यहां से लेकर यहां तक जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ही यहां पर भी हमें पता चल सके। तो आगे हमें क्या करना है, ये देखें, यहां से यहां तक हम 22 फंदे जो है वो बंद कर देंगे और आगे फिर 22 फंदों की बुनाई हम करेंगे, 40 रो बुनेंगे। एक फंदे को बुनेंगे और दूसरे फंदे को उसके बीच में से हमें निकाल देना है ऐसे। ऐसे ही हमें 22 फंदे बंद कर देने हैं, दो हो गए हैं, तीन, चार, पांच, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ये 22 फंदे हैं जो हमने बंद कर दिए हैं। अभी हमारे पास इस तरफ जो है 22 फंदे बचे हैं, ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे सीधा सीधा।
तो हम इसको इसी तरह बुनते जाएंगे और 40 रो आगे बुनेंगे। और यहाँ पर हमें एक मार्कर लगा देना है, जैसा कि हमने पीछे 20-20 जो है लाइनें गिनकर हमने मार्कर लगाया है ना, वैसे ही। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये देखें जी, यहां से लेकर यहां तक मैंने 40 रो बुन लिए हैं। अभी हम इसको बंद कर देंगे जैसे हमने इसको बंद किया था, सेम वैसे ही। और लास्ट में जितना धागा हमें चाहिए होगा स्टिचिंग के लिए उतना रख करके कट लेंगे। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 रो बने हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 रो हैं। अभी हम इंच टेप से भी इसको नाप कर देख लेते हैं। ये देखें, इसकी लंबाई जो है 14.5 से 2 पॉइंट जो है वो ऊपर है, ये देखिए यहाँ तक है। और इसकी लंबाई जो है इस साइड की वो 8.5 से, ये देखें, 2 पॉइंट ऊपर है। और जो चौड़ाई है इसकी वो 5.5 से, ये देखें, 2 पॉइंट ऊपर है। तो इस तरह इसकी लंबाई चौड़ाई है। अभी मैं आपको इसको जो है आपके मुताबिक जो भी नाप आप बनाओगे वो आपको किस तरह से आगे के रो जो है वो बनाने हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने इस साइज के लिए यहां पर देखें 3 इंच जो है इसकी, 3 इंच जो है इसकी लंबाई है और 3 इंच ही इसकी चौड़ाई है। जितनी इसकी चौड़ाई थी उतनी ही मैंने लंबाई बनाई और लंबाई में जितने रो यहाँ पर आए हैं उस हिसाब से ही हमने ऊपर रो बनाए हैं। यानी कि यहाँ पर 40 रो पड़ने के बाद इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के बराबर हो गई थी। तो मैंने 40 रो यहाँ पर बनाए, 40 फिर यहाँ पर, 40 यहाँ पर और 40 यहाँ पर। इसी को हमने 4 बार दोहराया है, 4 बार इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरफ जो है इसको हमने 3 बार बनाया है, यानी एक बार 40 रो यहाँ पर बनाए, फिर ऊपर बनाए, फिर इस तरफ बनाए। तो इस तरह से इसका जो है साइज आएगा। तो आपको जितने रो आपके यहाँ पर पड़ेंगे उसी हिसाब से आपको उसको दोहराना है इस तरफ और 3 बार दोहराना है उस तरफ। इस तरफ आपके 4 बार हो जाएंगे और इस तरफ जो है 3 बार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको हिसाब लगाना है। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें इस तरह से, ये देखें, ये इसकी उल्टी साइड है, ऐसे हम इसको यहां से जोड़ेंगे। ये जो धागा हमने यहाँ पर छोड़ा था इसी को नीडल में डालेंगे और यहां से स्टिचिंग शुरू करेंगे और यहां तक हम ले आएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, यहां से हम स्टिचिंग को शुरू करना है। और ये जो हमारे बीच के ये वाले स्टिच हैं ये हमें उठाने हैं ऐसे। दोनों तरफ से हाफ स्टिच को हम लेते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। ये देखें, ये पूरा स्टिच ऐसे है तो हमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो लेना है।
ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से इसकी स्टिचिंग हुई है। अभी हमें क्या करना है, ये वाले एरिए को हम सीधा कर लेंगे ऐसे, क्योंकि आगे की जो स्टिचिंग है वो हमें सीधी साइड से करनी है। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो मार्कर है इसको हम यहां तक ऐसे लाएंगे और यहां से लेकर यहां तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखें जी, पीछे से हमें इस तरह से धागे को पास कर लेना है उल्टी साइड से, और ये जो स्टिच है ये वाले, ये देखें, ये एक स्टिच हम यहां से लेंगे और एक स्टिच हम इधर से ऐसे यहां से लेंगे, ठीक है, एक यहां से और एक यहां से, ये देखें, बीच में ये ऐसे जिगजैग बनता चला जाएगा, ये देखिए ऐसे, बस इसको इसी तरह हमें सिलते जाना है और इसको हम खींचेंगे, ये देखिए ऐसे ये साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे यहां तक सिलती हूं, फिर आपको दिखाती हूं। ये देखें जी, ये मार्कर तक हम इसको ले आए हैं और यहां से थोड़ा सा और हम सिलेंगे, बस इतना। अभी हमें क्या करना है, उल्टी साइड से यहां से बैक स्टिचिंग करेंगे थोड़ी सी, और इसको हमें नीडल के बीच में से इस तरह से धागे को पास करके यहां पर एक नोट लगाना है और बस दो चार स्टिच जो है आगे, और आपको नीडल को निकालना है और इसे कट कर देना है। तो ये स्टिचिंग हमारी हो गई है, ये देखें। अभी हमें क्या करना है, ये देखें जी, ये जो हमारा, ये देखें, ये जो धागा है इसको हम नीडल में डालेंगे और इसे हमें इसी कॉर्नर को यहां पर लेकर आना है, ठीक है। और ये सीधी साइड ही है, सीधी साइड से ही हम सिल रहे हैं, ये देखें, यहां पर हम इस कॉर्नर को ले आएंगे ऐसे, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, इस तरफ को स्टिचिंग करनी है ऐसे, इस कॉर्नर तक, ठीक है, और ये दोनों मिलने चाहिए यहां पर ऐसे, ठीक है। और स्टिचिंग हमें सीधी साइड से ही करनी है जैसे मैंने आपको बताई है, ये देखें, यहां से हम शुरू कर लेंगे, एक स्टिच को इधर से लेंगे और एक स्टिच को इधर से लेंगे, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया है,
ये देखें, ऐसे हमें इसको सिलते जाना है और यहां तक इसको सिलेंगे, यहां तक। ये देखें जी, सिलाई के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। यहां पर आप कोई पंपम भी लगा सकते हैं या फिर ऐसा कोई डेकोरेटिव बटन भी लगा सकते हैं, तो मैं इसे लगा देती हूँ। फिर इसको पहनकर देखते हैं ये किस तरह से नजर आती है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।